दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। न्यूज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। दोस्तों जीत मुबारक, अल्लाह ताला शुएब भाई को इस जीत के बदला में खूबसूरत बेटा अता करे, आमीन। एशिया कप के सुपर फोर मरहले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को विकेटों से शिकस्त देकर सुपर फोर मरहले में पहली कामयाबी हासिल कर ली है। ऑलराउंडर शुएब मलिक ने इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और नाकाबिल शिकस्त 51 रन बनाकर जीत में कलीदी किरदार अदा किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जीत के लिए 258 रन का हदफ दिया, जिसके ताकुब में पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान पहले ही ओवर में बगैर कोई रन बनाए मुजीबुर रहमान की गेंद पर LBW आउट हो गए। इमाम उल हक 80 रन बनाने के बाद रन आउट हो गए। बाबर आजम 66 रन बनाने के बाद राशिद खान की गेंद पर मोहम्मद शहजाद के हाथों स्टंप आउट हुए। हारिस सोहेल 13 रन बनाने के बाद मुजीबुर रहमान की गेंद पर एहसान अल्लाह को कैच थमा बैठे। कप्तान सरफराज अहमद को 8 रनस बनाने के बाद गुलबुद्दीन नायब ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आसिफ अली 7 रनस बनाकर राशिद खान की गेंद पर आफताब के हाथों कैच आउट हो गए, जबकि शुएब मलिक ने नाकाबिल शिकस्त 51 रन बनाए। अफगानिस्तान की जानिब से राशिद खान ने 3, मुजीबुर रहमान ने 2, जबकि गुलबुद्दीन नायब ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। जैसे ही पाकिस्तान ने मैच जीता, अफगानी खिलाड़ी ग्राउंड में ही रोने लग पड़े और इसी अस्नाय में पाकिस्तानी बच्चे को कैमरा की आंख ने एक ऐसा इशारा करते हुए पकड़ लिया कि जिससे अफगान तमाशाई और क्रिकेटर मजीद दुखी हो गए। वीडियो को शेयर लाइक करने के साथ साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।